Explain the reversal of ITC on the switching to composition or exit from tax paying status. ये reverse है, ये reverse है dear friends. Reverse क्या है, आप normal tax में से कहाँ पे switch हो रहे हैं, composition में. यानी आपने गलती गलती में 28% normal में चले गए, फिर किसी ने बताया कि भाई normal में हर महीने return भरने पड़ते हैं, composition में quarterly भरना पड़ता है, उसमें कॉम्प्लायंस ज़्यादा है, कंपोजिशन इजी है, कंपोजिशन की कॉस्ट कम आएगी, उसमें आउटपुट टैक्स आपका कम रेट है, तो जो सामने वाला पर्सन खरीदेगा उसे वो प्रॉब्लम नहीं होगा 9-4 का, क्योंकि आप भी रजिस्टर्ड हो और सामने वाला भी रजिस्टर्ड है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या, अगर आप ऑलरेडी टैक्स पेइंग स्टेटस में थे, क्या सर नॉर्मल वाला 28% और अभी आपको 1% में शिफ्ट होना है, ओके, तो क्या होगा. तो लोग बोल रहे हैं रिवर्सल आप कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, आईटीसी प्रोपोर्शनेटली रिवर्स होगी और ये सब इंफॉर्मेशन मार्केट प्राइस के हिसाब से होगी और आपको प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. जब इनपुट की बात कर रहे हैं, इनपुट तो रिवर्स हो जाएगा सर. कैपिटल गुड्स का क्या, कैपिटल गुड्स का वही जो आगे हम पढ़ के आए, प्रो रेटा होगा ऐसा मान लेने का कि उसकी लाइफ 5 ईयर्स है. और सुनो, यहाँ पे क्रेडिट लेनी नहीं है, बहुत ध्यान से सुनो. नॉर्मल में आप टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं, कंपोजिशन में तो आपको क्रेडिट मिलती नहीं है. यानी यहाँ पे आप जो अमाउंट ढूंढोगे क्रेडिट की, वो लैप्स हो जाती है डियर फ्रेंड्स. क्या हो जाती है, लैप्स. आपको डेबिट कर देना है और पीएनएल में लॉस क्लेम कर लेना है, कुछ नहीं होता उसका. एग्जाम्पल देखते हैं, कैपिटल गुड्स अगर आपने 4 साल 6 मंथ 15 दिन यूज़ किया तो ये पार्ट ऑफ क्वार्टर है, तो उसको मंथ ही मान लेंगे, पूरा उसको हम मान लेंगे 1 मंथ. तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आपकी क्या हो जाएगी, 5 मंथ. सर कैसे, 4 साल 6 महीने और 15 दिन को हम क्या मान लेते हैं, 7 महीने. तो 5 साल लाइफ है, तो 12 में से 7 यहाँ पे, तो बाकी क्या बचा, 5. तो जो भी क्रेडिट थी उसको 5/60 करेंगे और उसनी जो 5/60 आई वो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, वो क्रेडिट रिवर्स कर देनी है आपको. रिवर्स यानी आपका जो लेजर में है उसको माइनस कर देना है, क्योंकि अब क्या है, आप कंपोजिशन में आ गए, यानी उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. द रजिस्टर पर्सन विल हैव टू डेबिट, डेबिट यानी माइनस कर देना इलेक्ट्रॉनिक और कैश लेजर बाय रिवर्सल ऑफ अमाउंट हेल्ड इन इनपुट स्टॉक सेमी फिनिश्ड और व्हाट्स एवर ऑन स्विच ओवर डेट बैलेंस. उसके बाद अगर आईटीसी आपके लेजर में बचा है, उसके बाद भी अगर आईटीसी बचा है तो वो लैप्स हो जाएगा. सर क्यों, लॉस है ना, अभी कंपोजिशन में चले गए, क्रेडिट तो मिलने नहीं वाली. सर आउटपुट पे भी आपको बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करना है, सामने वाली पार्टी से आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते. कंपोजिशन लेवी 1%, 2%, 5%, गवर्नमेंट क्या बोलता है, एक तो इतना कम रेट दिया, लोगों से थोड़ा खरीदना है, आपको आपकी जेब में से ही भरना है. ओके, सिमिलरली कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑल्सो रिक्वायर्स रिवर्सल ऑफ आईटीसी. कैंसलेशन यानी आपको बिजनेस नहीं करना, आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन बिजनेस कर रहे थे, कंपोजिशन नहीं, और अभी आपको बिजनेस बंद कर देना है, तो यही सारा सिनेरियो होगा. आपके पास जो इनपुट है उसका क्रेडिट रिवर्स करो, आपके पास जो कैपिटल गुड्स है उसका रिवर्स करो, और बैलेंस कुछ है तो वो क्या हो जाएगा, लैप्स. आईटीसी जो रिवर्स कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, वो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी का सबका अलग से करना पड़ेगा, और रिवर्सल यानी क्या, वो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ा देगा, इट विल बी इंक्रीज्ड. अमाउंट पेएबल ऑन कैपिटल गुड्स व्हेन आईटीसी इज टेकन. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कैपिटल गुड्स जो है, अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हो और आप उसको बेच रहे हो, बिजनेस बंद कर दिया, अभी आपको बेचना है, तो प्लांट एंड मशीनरी बेचते हो तो उस पर भी जीएसटी लगेगा, और जब आपने खरीदा था तब आपने उसकी क्रेडिट ले ली थी. तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर आप बेचोगे ना तो हम 2 ट्रांजेक्शन कंपेयर करेंगे और उन दोनों में से क्या लेंगे, विचर इज हायर. सर ये दो क्या है, इसका देखो मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ, आप ध्यान से देखो. आईटीसी टेकन ऑन गुड्स रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर, पुरानी बात, ओके, फॉर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के एंगल से, और ट्रांजेक्शन वैल्यू, इन दोनों में से क्या लेना है, विचर इज हायर. ध्यान से देखिए ये क्या हुआ, अगर मैं एक प्लांट एंड मशीनरी है जो मैंने 1 लाख में खरीदा था और उस पर मान लो 20,000 रुपये मैंने जीएसटी पे किया था, 1,20,000, और ये जीएसटी की मैंने क्रेडिट भी ले ली थी, ओके. अभी क्या हो रहा है, 3 साल के बाद
आफ्टर थ्री ईयर्स ये एसेट मैं बेच रहा हूं, सरकार क्या बोलती है कोई भी एसेट आपको 5 साल रखना है अंडर जीएसटी, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, दो ऑप्शन देती है आपको, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या है, 5 साल में से 3 चले गए तो 2 साल, और क्रेडिट आपका कितना था 20,000, 2 साल डिवाइड बाय 5 तो क्या हो जाएगा, 8,000 क्रेडिट आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, 8,000 क्रेडिट आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। देखो ये 5% से करो या इस तरह से करो सेम आंसर आने वाला है, आप कंफ्यूज मत हो जाओ, मैं आपको 5% से भी बता देता हूँ। 3 साल यानी कितने क्वार्टर डियर फ्रेंड्स, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं डियर फ्रेंड्स 4, तो 3 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 12 क्वार्टर, और एक क्वार्टर जो है उसका कितना परसेंट है 5, तो कितना परसेंट होगा 60%, हमारा कितना था 20,000, उसका 60% आपने यूज किया है कितना हो जाएगा 12,000, वो आपको मिलेगा, बैलेंस लाइफ जो है वो कितना है 40%, तो ये वापस क्या आ जाएगा 8,000, इट विल रिमेन वन एंड सेम। या फिर अगर ये एसेट आप सेकेंड हैंड बेचते हो ट्रांजैक्शन वैल्यू में, कितने में बेचते हो ध्यान से देखो, अगर आप सेकेंड हैंड में बेचते हो 5,000 में और उस पर जीएसटी मान लो 10% होता है 500 रुपये, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, इन दोनों में से विच एवर इज हायर हमें दो, यानी आपको क्या पे करना पड़ेगा 8,000। लेकिन मान लो ये प्रोडक्ट अच्छी है, आप जब बेच रहे हो तो आप उसको 80,000 में बेच सकते हो या 90,000 में बेच सकते हो, तो 90,000 का 10% रेट क्या हो जाएगा 9,000, तो गवर्नमेंट कितनी स्मार्ट है, फिर वो क्या बोलेगी 8,000 और 9,000 विच आर इज हायर। तो डियर फ्रेंड्स ये प्रोविजन हम समझा रहे हैं वहां पे कि भाई इन दोनों में से आपको क्या लेना है, विच आर इज हायर। तो देखिए यहां पे लिखा है आईटीसी 5% और ट्रांजेक्शन वैल्यू पे टैक्स, इन दोनों में से विच आर इज हायर। अगेन ये पूरा कैलकुलेशन आपको सीजीएसटी एसजीएसटी सबके लिए अलग अलग करना है, इंडिविजुअल नहीं करना है, ओके? और फिर यहां पे एक एक्सेप्शन है, ये पुराने एक्साइज में भी था, रीफैक्ट्री ब्रिक्स माउल्स डाइस जिग्स फिक्चर्स एक्सेट्रा में पे टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू, यानी यहां पे आपको 5% रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों, आप देखिए माउल जिग्स फिक्चर्स फर्नीचर ये सब जो चीज़ है डियर फ्रेंड्स, ये सब चीज़ का है ना लाइफ डिफाइंड नहीं होता, डाइज है वो जरूरी नहीं 5 साल चले, उसका बहुत यूज़ करोगे तो 2 साल भी चलेगा, माउल्स जो होते हैं कोई भी चीज़ को ऐसा आकार देने के लिए वो भी ज़रूरी नहीं कि 5 साल चले, 2 साल भी चल सकते हैं 3 साल भी चल सकते, डिपेंड्स ऑन योर यूसेज। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि आप जब उसको खरीदते हो जो टैक्स है वो क्रेडिट ले लो, और जब आप उसे बेचते हो जितने में भी बेचते हो उस पर जो टैक्स आता है वो आप भर दीजिए, यानी अभी जो हम प्रोविज़न देख रहे थे इसमें ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो सेगमेंट है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप जितने में बेचते हो उस पर आपको टैक्स भर देना है। किसकी बात कर रहे हैं, माउल्स डाइस जिग्स एंड फिक्स्चर्स। अब एक्सप्लेन द ट्रांसफर ऑफ